हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है, जो कि बीच में ब्रेक लग गई थी किसी रीजन की वजह से, ठीक है, जिसमें हमने लगभग 410 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, यानी कि पार्ट 31 तक डिस्कस किया था। तो आज ये उसका 32वां पार्ट है जिसमें हम लोग फिर से आपके साथ 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज का जो ये सेशन होगा, ये खास करके आपके टीजीटी एग्जाम को ध्यान में रख करके डाला जा रहा है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम काफी नजदीक है। 17 तारीख को आपका एग्जाम है एनवीएस वालों का, तो हम लोग उसको फोकस करते हुए आप लोगों का ये जो सेशन है ये खास करके एनवीएस के एग्जाम के लिए। और 100 क्वेश्चंस इस बार आपके एग्जाम में होंगे, तो 100 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके इकोनॉमिक टर्म से भी रिलेटेड करते होंगे। इकोनॉमिक टर्म कॉमर्स के बहुत सारे सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है, अकाउंट के सेक्टर में, मैनेजमेंट के सेक्टर्स में, तो वैसे टर्म्स को हम लोगों ने आज इसमें इंक्लूड किया हुआ है, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगा जो एग्जाम में भी देखने को आ सकता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 411 नंबर का है हमारा। Who is known the father of White Revolution? White Revolution के father किन्हें माना जाता है, आपको ये बताना है। देखिए पहले बात करते हैं White Revolution की, आखिर होता क्या है ये श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जैसा कि नाम ही है, श्वेत यानी कि मिल्क, तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट थे हमारे, उनको सुधारने के लिए, उनको बढ़िया से रिफॉर्म करने के लिए White Revolution लाया गया था। कब लाया गया था? 1970 ईस्वी में लाया गया था। किसने लाया था? वी कुरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, इन्होंने ही व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आया था। व्हाइट रेवोल्यूशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं ऑपरेशनल फ्लोट। तो अगर क्वेश्चन में आपको व्हाइट रेवोल्यूशन देता है या ऑपरेशनल फ्लोट देता है, तो दोनों के जो फादर है वो हमारे कौन है? वी कुरियन है। कब दिया गया था? 1970 में। किस चीज के लिए? तो मिल्क के प्रोडक्ट, डेयरी के प्रोडक्ट, इन सब चीजों को लिए ये जो हमारी श्वेत क्रांति लाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 412 नंबर। कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है और जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो इन चारों में से किसके अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। चलिए ऑप्शन चूज कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर सोशल एनवायरनमेंट, सभी में इकोनॉमिक वर्ड लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है राइट आंसर भी हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमी इज नॉट प्लान्ड, कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, वो कौन सी इकोनॉमी है जो गवर्नमेंट के द्वारा ना तो कंट्रोल की जाती है ना ही रेगुलेट की जाती है, बताइए वो क्या कहलाएगा? क्लोज्ड, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड या फिर फ्री मार्केट। देखिए ये सारे टर्म जो है ना वो इकोनॉमिक के टर्म में है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये आपके प्योरली कॉमर्स और मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। इकोनॉमिक वालों के पार्ट तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स का ही सारे टर्म है, लेकिन ये कॉमर्स का भी एक बेसिक पार्ट है, तो इसलिए मैंने इसको लेकर के आया हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम लोग कॉमर्स में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सर हमारा सिलेबस में तो इकोनॉमिक्स है नहीं, तो हमें ये पढ़ना नहीं है। बट सिलेबस में नहीं है, बट उसके पार्ट्स जो है ना वो आपके जरूर पढ़ने होते हैं, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप वहां पर फंस जाते हो फिर, ठीक है। तो अपना ऑप्शन चूज कीजिए आपके अकॉर्डिंग, वैसा इकोनॉमिक कंडीशन जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, रेगुलेट नहीं करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फ्री मार्केट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इंप्लाइज्ड ऑन, यानी कि जो हमारा NAIS यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम है वो कब लागू किया गया था, कब शुरू किया गया था, आपको ये बताना है। अक्टूबर में तो है ही, 1997, 1998, 1999 या फिर 2000, ऑप्शन चूज कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे अगर आपने मेरा जो 31 सेशन है जो पहले का अगर वो आपने प्रॉपरली अच्छे से देखा है, तो ये 414 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप दे लोगे, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अक्टूबर 1999 में ये लागू किया गया था, इम्प्लाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड। जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वो अपना पोर्टफोलियो बना करके जब वो इन्वेस्ट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? FDI कहते हैं, FII कहते हैं, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि BOP या SDR कहते हैं। ऑप्शन चूज कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या है। FDI का फुल फॉर्म होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, BOP का ऑलरेडी दिया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और SDR का होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो ऑप्शन चूज कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि FII। FII को एक और नाम से जानते हैं FPI, जो कि आपके क्वेश्चंस में भी लिखे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो, फॉरेन FPI का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FPI का फुल फॉर्म क्या हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और FII सेम वही नाम है, बस दूसरे नाम से पुकारा जाता है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन ऑन एक्सपोर्ट इज अवेलेबल फॉर ड्यूटी पेड ऑन, यानी कि जो हमारी एक्साइज ड्यूटी है वो किस तरह के गुड्स पे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो लगाई जाती है, आपको ये बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, और मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर भी बहुत लोगों ने दे दिया होगा। तो चूज कीजिए राइट आंसर क्या है इसका। इसका राइट आंसर है हमारा फिनिश प्रोडक्ट, और साथ में जो भी उसके कॉम्पोनेंट्स होंगे उनको उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो हमारे डायरेक्टर जनरल होते हैं फॉरेन ट्रेड के, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन चूज कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो कंफ्यूजन हो रहे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, है कि नहीं? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हुआ होगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को ही चूज किया हुआ होगा, बट अगर आप ऐसा करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। देखिए फॉरेन ट्रेड का जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उसे अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चंस लाया हूं जहां पर आपको कंफ्यूजन होना ही चाहिए, और कंफ्यूजन होगा तभी तो दूर करूंगा मैं। अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिर हमारा होने का फायदा ही क्या है, क्यों, है कि नहीं? तो ये 10 क्वेश्चंस में से आप कमेंट करके जरूर बताना कि 10 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जिससे मालूम चल सके कि कहां तक आप लोग मेहनत कर रहे हैं और कहां तक आपको और करने की जरूरत है, और मुझे भी मालूम चल सके कि मैं आप लोगों को सही पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स ट्रेंड टू जज अ मॉडल अपॉन, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक ट्रेंड होता है एक मॉडल के आधार पर, उसमें किस तरह से जज किया जाता है, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, आपको वो बताना है। तो देखिए इसमें जब भी इकोनॉमिस्ट कोई जब कुछ ट्रेंड के बारे में जज करते हैं, कुछ अपनी राय देते हैं, तो यहाँ जो डिसीजंस होता है वो उनकी नॉलेज पे, उनकी प्रिडिक्शन पे होता है। ठीक है, जैसा वो प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग में करेंगे, तो वो प्रिडिक्शन कुछ एक्यूरेसी पे, कुछ ना कुछ स्टैटिकल जो डाटा होते हैं उन पे बेस्ड होता है, तो उसके हिसाब से वो अपना जो भी प्रिडिक्शन है वो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए उसमें लिखा है, टू है उसमें लिखा हुआ है, द एक्यूरेसी ऑफ इट्स प्रिडिक्शन, उनकी जो एक्यूरेसी होगी भविष्यवाणी करने में उसकी शुद्धता पर डिपेंड करेगा सारे जजमेंटल मॉडल, या फिर जो भी इकोनॉमिस्ट जज करेंगे, निर्णय करेंगे, डिसीजन लेंगे, वो सभी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है, आपको वो बताना है नेशनल इनकम के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन चूज कीजिए। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि प्रोडक्शन मेथड भी यूज करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज करते हैं, और इनकम मेथड भी यूज करते हैं। ठीक है, ये चारों आंसर हो जाएंगे इसका। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग, जो कि 420 नंबर है हमारा।
द नेशनल इनकम एस्टिमेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी कि जो हमारा नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन लगाना है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या नेशनल इनकम होगा, क्या उसका आकलन करना है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है, आपको ये बताना है। चलिए ऑप्शन चूज कीजिए, आपके सामने चार ऑप्शन से बताइए राइट आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो राइट आंसर हो रहा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर चार, यानी कि नेशनल इनकम कमेटी, क्योंकि ऊपर भी नेशनल इनकम है नीचे भी नेशनल इनकम है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से एनआईसी को टिक कर लिया होगा। बट मैं बता दूं कि ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर है CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके हाथ पे होता है हमारा नेशनल इनकम को इवेलुएट करना, मूल्यांकन करना, आकलन करना, इन्हीं के कंधों पे ये भार होता है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं सभी के सभी आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आज हो गए आपके करीबन 7 तारीख है आपका। ठीक है, देखिए मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 10 तारीख के अराउंड में, 10 या 11 तारीख को मैं आपको सिर्फ अकाउंट सेशन के, ठीक है, करीबन 200 से 250 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, खास करके एनवीएस वालों के लिए। ये एनवीएस के एग्जाम के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। ठीक है, जितने इससे पहले हमने अकाउंट के, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की बात कर रहा हूँ, अकाउंट के हमने करीबन 9 वीडियो अलग से अपलोड किए हुए, यानी कि 90 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए, साथ में एक हमने टेस्ट डाला हुआ है, यानी कि टोटल हो गए 10 क्लास। तो 100 क्वेश्चंस आपके पास उसमें है, अगर वो आपने वो सारे पार्ट्स अगर देखे हुए हैं तो काफी अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाकर के वो देख लीजिए। उसके अलावा मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको करीबन 200 क्वेश्चंस होंगे, अगर आप इतना रीड कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो आपको आपके एग्जाम में अकाउंट पोर्शन से नहीं आने वाले हैं। अकाउंट पोर्शन के लिए सफिशिएंट होगा, उसमें आपके फाइनल अकाउंट होंगे, कॉस्ट अकाउंट होंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होंगे, मैनेजमेंट नहीं होंगे, मैनेजमेंट के अकाउंट होंगे। ठीक है, जितने भी आपके ओवरऑल अकाउंट का जो सिलेबस है वो हम लोग उसमें कवरअप करेंगे। तो 2-3 दिन वेट कीजिए, 2-3 दिन के बाद मैं आप लोगों को वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आप लोगों का जो भी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो पढ़ने का है वो जल्द ही कंप्लीट हो जाए और पूरी तरह से कंप्लीट हो, ताकि एग्जाम आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए, एग्जाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम दो, एग्जाम के लिए नहीं, जॉब के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।